हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ विद आंसर। एंड सब्जेक्ट है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक नंबर में भी पूछे जाते हैं एंड दो नंबर में भी पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोन ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन कौन कौन सी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द शोल्डर गर्डल एंड अपर लिम्स एंड पेल्विक गर्डल विथ लोअर लिम्स। तो इसमें आ जाएगा ईच शोल्डर गर्डल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि शोल्डर गर्डल की जो बोन्स होती हैं, तो इसमें एक आता है कैल्विकल एंड सेकेंड है इसमें स्केपुला, यानी कि एक कैल्विकल बोन होगी और एक स्केपुला बोन होगी। देन ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ, हर एक अपर लिम्ब्स में होगा ह्यूमरस, एट कार्पल बोन, वन रेडियस एंड वन अल्ना, एंड फाइव मेटाकार्पल बोन एंड 14 फ्लैंजल्स। देन उसके बाद द बोन ऑफ लोअर लिम्ब्स में क्या कौन कौन सी बोन आ जाएंगी। वन फीमर, वन टीबिया, वन फिबुला, वन पटेला, वन टार्सल बोन एंड सॉरी 7 टार्सल बोन एंड 5 मेटाटार्सल बोन एंड 14 फ्लैंजल्स। सेकेंड क्वेश्चन आता है इसमें फोर मेन कैविटी ऑफ द बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की कैविटी कौन कौन सी होती है। फोर कैविटीज होती हैं, कौन कौन सी हैं। क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो सेंस ऑर्गन होंगे हमारे ईयर, आई, नोज, टंग एंड स्किन। लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट की लेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। थ्री लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। इसके बाद आता है ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। माउथ, फेरनिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। एंड इसमें एक्सेसरी ऑर्गन भी आते हैं, पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर एंड बाइलरी डक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ बोन विद एग्जांपल्स, यानी कि बोन कौन कौन सी होती हैं, कितने तरह की बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इसमें है लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन में आ जाएगा फीमर एंड ह्यूमरस, शॉर्ट बोन में आ जाएगा टार्सल एंड कार्पल, इरेगुलर बोन में आ जाएगा वर्टिब्रल एंड स्कल बोन, एंड फ्लैट बोन में आ जाएगा वर्टिब्रा एंड द स्कल बोन, एंड सिस्मोइड बोन में आ जाएगा पेटलर। इसके बाद आता है टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी हमारी बनी है टिश्यू से मिलकर के बनी है, टिश्यू से सेल बने हैं। तो टिश्यू जो है वो कितनी तरह के बॉडी में होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू चार तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसमें आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वन पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वन थायरॉयड ग्लैंड, फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, टू एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, वन पिनल ग्लैंड या फिर पिनल बॉडी बोलते हैं इसे, वन थैलमस ग्लैंड होता है, टू ओवरीज इन द फीमेल एंड टू टेस्टिस इन मेल। तो ये ग्लैंड है जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से थे। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन आते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन में लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा एंड सिलिटोरिस, वेस्टिबुल, हेमन एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, एंड इंटरनल में वजाइना एंड यूट्रस एंड फ्लेपिन ट्यूब एंड ओवरीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी होती हैं। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व्स में क्या जाते हैं, सेंसरी जो हमें सेंस यानी कि फील कराते हैं, यानी कि जैसे कि हमें स्मेल आती है, नोज होती है, तो वो क्या हमारे ओल्फैक्टरी नर्व्स के अंदर आती है। ऑप्टिक सेंसरी यानी कि साइट देखने के लिए, एंड ऑक्टोमीटर मोटर मूवमेंट ऑफ आईबॉल, आईबॉल की मूवमेंट में, एंड ट्रैकुलर मोटर मूवमेंट ऑफ आईबॉल, एंड ट्रिजिमिनल मिक्स्ड जो कि पेन, टच एंड टेम्परेचर को फील कराता है, एबडक्शन मोटर मूवमेंट ऑफ आईज,
वेस्टिबुलर कॉकलर ऑडिटरी सेंस हेयरिंग यानी कि सुनने में ये हमारी हेल्प करती है। एंड ग्लोसोफ्रिंजल मिक्स्ड ये टेस्ट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, इसमें ये जो नर्व्स हैं ये हेल्प करती हैं। फेशियल मिक्स फेशियल एक्सप्रेशन या फिर टेस्ट को बताने में ये हेल्प करती है। वेगस मिक्स्ड मूवमेंट एंड सिक्रीशन को, किसी भी तरह की मूवमेंट हो या सिक्रीशन हो जो ये नर्व्स हैं ये उसमें हेल्प करती है। उसके बाद एक्सेसरी मोटर मूवमेंट ऑफ हेड शोल्डर यानी कि जो हेड एंड हमारे शोल्डर की जो मूवमेंट होती है वो एक्सेसरी नर्व्स के थ्रू होती है। हाइपोग्लोसल मोटर मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट की टंग में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर प्रोसेस बाय विच हीट इज लॉस फ्रॉम द बॉडी यानी कि जो बॉडी से हीट लॉस होती है कम होती है वो किस प्रोसेस के दौरान होती है। तो चार प्रोसेस होते हैं इसमें, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड वेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन के बोन कौन से आते हैं इसमें, इसमें आता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन आते हैं इसमें, आता है टू किडनी, टू यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं, जो लेयर है ब्रेन की जो लेयर होती है वो कौन कौन सी होती हैं। थ्री लेयर्स होती हैं, ड्यूरामेटर, एरिकनॉइडमेटर एंड पाइमेटर। 15 क्वेश्चन है, ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडीज यानी कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड वन एंड थायरॉयड ग्लैंड वन, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड टू एंड पिनल ग्लैंड या फिर पिनल बॉडी वन, थैलमस ग्लैंड वन, ओवरीज और इन फीमेल टू, टेस्टिस इन मेल टू। एंड उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इसमें, स्लेवरी ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड, सबक्यूस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट आता है द नेम ऑफ द ब्लड वेजल, ब्लड वेजल कौन कौन से होते हैं इसमें, आर्टरीज आती हैं, आर्ट्रियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। इसके बाद आता है ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन वर्क्स करते हैं या फिर कौन कौन से ऑर्गन इसके अंडर आते हैं। तो इसमें आता है नोज, फेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, टू ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस एंड स्मॉलर एयर पैसेजेस, टू लंग्स एंड वन द प्लूरा एंड मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। इसके बाद आता है मेनोपॉज क्या होता है, द मेनोपॉज यूजली अकर बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 55 ईयर्स मेकिंग द एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड यानी कि जो मेनोपॉज का जो पीरियड होता है वो ज़्यादातर महिलाओं में 45 से 55 साल की उम्र के बीच में आता है और ये जो टाइम होता है इस टाइम में महिलाएं जो है वो चाइल्ड बियरिंग पीरियड उनमें एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इट इज़ कोज्ड बाय द चेंजेस इन द सेक्स हार्मोन लेवल यानी कि ये किस वजह से होता है, क्योंकि उनमें सेक्स हार्मोन का जो लेवल है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। द ओवरीज ग्रेजुअली बिकम लेस रिस्पॉन्सिबल टू द FSH एंड द एवोल्यूशन एंड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिकॉज इररेगुलर इवेंचुअली स्विजिंग यानी कि स्टॉप हो जाते हैं यानी कि ये क्या है, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है ओवरीज का रिस्पॉन्स होता है FSH का वो कम होना शुरू हो जाता है और उसका जो एवोल्यूशन है वो भी कम हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो इररेगुलर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे क्या है वो स्टॉप हो जाता है। सेवरल अदर फिनोमेना में अकर एट द सेम टाइम, और भी काफ़ी सारे फिनोमेना हैं जो इस स्टेज पर यानी कि इस एज में आकर के स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है कार्डियक साइकिल, स्टेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल, द नॉर्मल नंबर ऑफ द कार्डियक साइकिल रेंज फ्रॉम द 60-80 मिनट्स टेकिंग यानी कि जो कार्डियक साइकिल की रेंज होती है वो 60-80 मिनट्स पर मिनट होती है। टेकिंग 74 एज एन एग्जाम्पल यानी कि अगर 74 एग्जाम्पल ले जाए तो ईच साइकिल स्टार्ट अबाउट द 0.8 ऑफ द सेकेंड एंड कंसिस्ट ऑफ यानी कि अगर 74 का एग्जाम्पल लेते हैं तो ईच साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड में स्टार्ट होता है। आर्टियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया एंड एट्रियम, आर्टियल सिस्टोल में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया एंड एट्रियम का, एंड वेंट्रिकल सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा
कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का, कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्रिकल, यानी कि इसमें साइकिल होगा रिलैक्सेशन, यानी कि आर्टरी और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।